नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठों की श्रृंखला में क्लास इलेवेंथ इलेवेंथ का काव्य खंड नामक पहला पाठ यहाँ चालू होगा। उसमें कहा गया है, यदि तोर डाक सुने केउ न आसे, तबई एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का यह कथन है, जिसमें जिसका के अर्थ होता है कि तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला, चल अकेला और चल अकेला रे। कि यदि तोर डाक सुने केउ ना आसे, तभी एकला चलो रे। तो काव्यखंड की ये पंक्तियाँ कुछ हैं। वहीं पर कविता क्या है इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ कथन हैं, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जहाँ आत्मा जब मुक्त अवस्था में होती है तो वह ज्ञान दशा कहलाती है, और उसी प्रकार हृदय जब मुक्त अवस्था में आता है तो वह रस दशा को ग्रहण करता है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसी को कविता यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कहा गया है। जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। तो इस कथन के बारे में विचार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के। काव्य की रचना प्रक्रिया, जो कि उनका काव्य संकलन है, उसमें ये बात सामने आई कि जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म जो होता है वह अधूरा होता है। इस प्रकार के विचार गजानन माधव मुक्तिबोध जी के थे। मैं कहता आँखों की देखी और तू कहता कागज की लेखी। कबीर की वाणी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, कबीर वाणी नामक पाठ से ये कुछ पंक्तियाँ हैं कि मैं कहता आँखों की देखी और तू कहता कागज की लेखी। वहीं पर कबीर दास जी जो लेखक हैं इस पाठ के, इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिनकी की प्रमुख रचनाएं अगर बात करते हैं तो बीजक, जो कि बीजक में संकलित हैं सभी, जिसमें साखी, सवद और रमेनी संकलित हैं। कबीर दास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि कबीर दास जी जो हैं कौन सी धारा के कवि हैं, निर्गुण या सगुण। तो आपको याद रखना है कि ये निर्गुण भक्ति धारा के या ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कबीर दास जी। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। अर्थात अभी अपनी जब बात कहते थे तो साफ कहते थे, और दो टूक मतलब सीधी और किसी पर इफेक्ट डालने वाली हो इस प्रकार की कहते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो वे दरेरा देकर। अर्थात कह सकते हैं कि वे अगर बन पड़े तो सीधे सीधे कह देते थे, नहीं तो दरेरा देकर के, या कह सकते हैं कि उसको कुछ प्रभावी ढंग से बना करके कह देते थे। और इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को क्या कहा है, वाणी का डिक्टेटर, या इस प्रकार से बनता है कि वाणी का डिक्टेटर जो है कबीर दास जी को किसने कहा है। तो वह आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ में सोता है कहावतें हैं या लोग कहा करते हैं, प्रचलित हैं, कि उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा।
अर्थात वे जुलाहा एक जाति होती है, क्या होती है, जुलाहा एक जाति। तो उन्होंने अपने आप को अपनी कविताओं में कौन सी जाति का बताया, जुलाहा। कबीर के विद्वत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात वे पढ़े लिखे हैं कि नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि मस कागद छुओ नहीं कलम गहे नहीं हाथ, अर्थात तो उन्होंने ना तो कागज़ पेन को छुआ और ना ही कलम हाथ में ली। और उन्होंने ये पंक्तियाँ जो हैं कबीरदास जी ने अनेक प्रकार के जो बीजक साखी सवद रमैनी जो उनके पद साखी सवद रमैनी आए हैं उन्होंने रच डाले। उन्होंने अपने आप को बिना पढ़ा लिखा माना है इस पंक्ति के माध्यम से, जो कि स्पष्ट होता है कि मस कागद छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ, अर्थात तो उन्होंने काफ़ी पेन को छुआ तक भी नहीं था, इस प्रकार भी कहते हैं। जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था, अर्थात तो उन्होंने देशाटन में से होता है कि देश का भ्रमण किया था और विभिन्न प्रकार के सत्संगों में भाग लिया था, तो इस प्रकार से उनको अपने ज्ञान का विस्तार हुआ। किताबी ज्ञान के साथ या स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी उन्होंने, अर्थात तो उन्होंने किताबी ज्ञान को क्या है यहाँ पर नकार दिया, किताबी ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, जबकि उन्होंने आँखों देखे सत्य और अनुभव को एक प्राथमिकता दी, प्रमुखता दी अपने काव्यों में। उनकी रचनाओं में नाथों सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद प्रचार के विरोधी थे तथा जाति वेद और वर्ण वेद, जाति भेद तथा वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम और सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। वे किसी प्रकार की जाति को नहीं मानते थे, कह सकते हैं, और ना तो किसी प्रकार के वर्ण में विश्वास रखते थे या वर्ण भेद ही करते थे और ना ही किसी संप्रदाय विशेष के वे मानते थे। अर्थात तो उसके स्थान पर क्या मानते थे कि प्रेम को महत्व देते थे, वहीं सद्भाव समानता इन बातों का वे समर्थन करते थे, इनमें विश्वास रखते थे। तो चलते हैं, जानते हैं कि यहाँ प्रस्तुत जो पद हैं, इससे पहले पद पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक बार यहाँ पर आए विभिन्न शब्दार्थों को, जिससे कि आपको जानने में या उसका अर्थ समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। शब्द छवि या शब्दार्थ जब देखते हैं हम, तो दो जख मीस होता है। दो जख मीस क्या होता है, फारसी का शब्द है दो जख, अर्थात जा इसमें जो नुक्ता लगा होता है, क्या है, जा में जो नुक्ता लगा है, तो इस प्रकार शब्द जब नुक्ता लगता है तो ये क्या है, एक फारसी शब्दों की विशेषता है। तो इसका अर्थ होता है नरक। दो जख मीस क्या होता है, नरक। वहीं समाना मीस क्या होता है, व्याप्त। समाना मीस व्याप्त होना। खाक मीस होता है मिट्टी, खाक मीस मिट्टी। कोहरा, कोहरा मीस होता है कुम्हार या कुंभकार जिसे बोलते हैं। वहीं साना मीस होता है एक साथ मिलाकर के, साना मीस एक साथ मिलाकर। बाड़ी मीस होता है बड़ई, बाड़ी मीस क्या होता है, बड़ई। अंतर मीस होता है भीतर, अंतर मीस क्या होता है, भीतर। स्वरूपई मीस स्वरूप या रूप आकार जिसको बोलते हैं स्वरूप। गर्वाना मीस गर्व करना, गर्वाना मीस क्या होता है, गर्व करना। वहीं निर्भय मीस होता है निर्भय, निर्भय जिसको कोई भय ना हो। निर्भय मीस क्या होता है, जिसको कोई भय ना हो, निर्भय बोलते हैं उसको। वहीं बौराना, बौराना मीस होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या पगला जाना, कहते हैं बौरा गया है, तो उस प्रकार से कहते हैं उसे, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या पगला जाना। वहीं धावे, धावे मीस होता है दौड़ते हैं, धावे मीस क्या होता है, दौड़ते हैं। वहीं पतियाना मीस होता है विश्वास करना, पतियाना मीस विश्वास करना।
वही नैमी, नैमी मीन्स होता है नियमों का पालन करने वाला, नैमी मीन्स क्या होता है, नियमों का पालन करने वाला। और हो सके तो इन शब्दार्थों को आप लिखते जाएं, जैसे कि जो काव्य भाग है आपको आसानी से और समझ में आने वाला है। वहीं धर्मी, धर्मी मीन्स होता है धर्म का पाखंड करने वाला, धर्मी मीन्स धर्म का पाखंड करने वाला। असनाना, असनाना मीन्स स्नान करना या नहाना। आप्तम, आप्तम मीन्स होता है स्वयं, आप्तम मीन्स क्या होता है स्वयं। वहीं पखाने मीन्स क्या होता है, पत्थरों को या पत्थर की मूर्तियों को, पखाने पत्थरों को या पत्थर की मूर्तियों को। वहीं बहुतक मीन्स होता है बहुत से, बहुतक मीन्स बहुत से। पीर ओलिया, पीर ओलिया मीन्स होता है धर्म गुरु और संत, या जिसको ज्ञानी बोलते हैं पीर ओलिया, तो धर्म गुरु या संत या ज्ञानी। वहीं कुराना, कुराना मीन्स होता है कुरान शरीफ, जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कुराना, जिसको बोलते हैं कुरान शरीफ, जो इस्लाम धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। आइए चलते हैं, जानते हैं पाठ में कि कबीर दास जी का जो पाठ है, जो इन दोहिन राखी, तो इसमें जो पहला पद है यहाँ पर कबीर दास जी के क्या दिए हैं पद। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि यहाँ पर इनके पद साखी या जो भी हैं क्या हैं, पद साखी आदि का जो संकलन है कबीर दास जी की, तो उन सब का संकलन किस में किया गया है, क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो पद है यहाँ प्रस्तुत, तो पहले पद में कवि ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। क्या है कि परमात्मा जो होता है, तो सृष्टि जो है, जगत जो है, संसार जो है, तो इसके कण कण में विद्वान है, ऐसा कबीर दास जी का मानना है। ज्योति स्वरूप में स्वीकारा है उनको, अर्थात एक ज्योति के रूप में जो परमात्मा है वह विद्यमान है, व्याप्त है, तथा उसकी व्याप्ति, उसका विद्यमान होना चराचर संसार में दिखाई देता है। इस प्रकार कबीर दास जी का मानना है कि वह इस, उसकी व्याप्ति इस चराचर संसार में व्याप्त है, और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के, सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। किस पद में, पहले पद में। दोबारा पढ़ लेते हैं, जो कि ये जो आपका पद है, पहला पद है, यहाँ पर इसका पूरा निचोड़ है कि यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति स्वरूप में स्वीकारा है, तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में विद्यमान है या दिखाई है, और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता, अद्वैत मीन्स होता है जिसका कि कोई रूप आकार ना हो, अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। सबसे पहले जानते हैं पहले पद को, उसके बाद पढ़ेंगे दूसरे पद को। ये दोनों जो पद हैं, जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह, जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित हैं, जो कि कबीर वाङ्मय खंड 2, जो कि शबद से लिए गए हैं, उनके जो शबद हैं वहाँ से लिए गए हैं, जो कि कबीर वाङ्मय खंड 2 में प्रकाशित हैं। तो शबद से क्या लिए गए हैं, आपके पद लिए गए हैं, किसके पद, कबीर दास जी के। सबसे पहले जानते हैं पहले पद को, कि इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, और दोई कहें तिनहीं को दो जग, जिन नाहिन पहचान। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना, और एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहना साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अगन न काटे कोई, और सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे सरूपई सोई। माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना।
तो कबीर दास जी दीवाने हैं कह सकते हैं। उन्होंने पहले पद में बताया है कि हम तो एक एक कर जाना, अर्थात इस संसार में परमात्मा को वे एक मानते हुए कहते हैं कि हम सभी एक हैं और जो परमात्मा है वह भी एक है, जो कि सभी को क्या है, एकजुट या एक समान मानता है। कह सकते हैं दो ही कहें तनही को दो जख, जो इस नरक दो जख मीस होता है इस नरक में, जो इसको दो कहते हैं या दो स्वरूप इसके मानते हैं और इसको पहचानने से इनकार करते हैं, मना करते हैं कि दो ही कहें तनही को दो जख, जो नरक है इस संसार में इसको क्या है दो रूपों में मानता है। और एक वे आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक पवन, एक ही पवन, एक ही पानी, अर्थात यह जो शरीर है आपका, मनुष्य का जो शरीर है, इसके बारे में बताया है कि यह शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है, कि एक ही पवन अर्थात इस शरीर के अंदर एक ही पवन, पवन में सोती है वायु, एक ही वायु है, और पानी जल अग्नि आकाश क्या है कि एक ही पानी जल, एक ही कह सकते हैं जल से बना है, वायु से बना है, और अग्नि ज्योति में क्या होती है अग्नि, तो एक एक ही प्रकार की जो ज्योति है अग्नि है वह समाई हुई है। और एक ही खाक गड़े सब भांडे, आगे वे एक और उदाहरण देते हैं कि यह जो संसार है क्या है कि एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा समाना, कोहरा मिस होता है कुम्हार, कोहरा मिस क्या होता है कोहरा मिस कुम्हार या कुंभकार जिसे बोलते हैं, तो उस परमात्मा ने, कुम्हार किसको कहा गया, उस परमात्मा को कहा गया है कि उस परमात्मा ने हम सभी को क्या है एक ही बनाया है, अर्थात एक ही मनुष्य जाति का बनाया है और एक ही प्रकार से गढ़ दिया है। ऐसा कहते हैं कि एक भांडे में सोता है बर्तन की भांति, भांडे में बर्तन की भांति जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है बर्तन को बनाता है, उसी प्रकार से जो परमात्मा है उसने क्या है मनुष्य को बनाया है। जैसे बाढ़ी कष्ट की काटे अगन न काटे कोई, वे कहते हैं कि जिस प्रकार से जो बाढ़ी मिस बढ़ई जो होता है, काष्ट मिस लकड़ी, काष्ट मिस लकड़ी, काटे मिस काटना, अगन अगन मिस अग्नि, ना ना मिस नहीं, काटे मिस काटना, कोई मिस कोई, तो जिस प्रकार से जो बढ़ई होता है, कौन कौन बढ़ई जो लकड़ी को काटता है, जिस प्रकार से जो बढ़ई होता है वह केवल लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि जो है जो कि लकड़ी को जलाती है उसको नहीं काट सकता। इस प्रकार के वे उदाहरण देते हैं कि उसमें व्याप्त कहते हैं कि संसार में जो व्याप्त परमात्मा है उसको दूर नहीं कर सकता है कोई, और सब घट अंतर तू ही व्यापक, वे कहते हैं कि वह घट घट में विद्यमान है, अर्थात जगह जगह विद्यमान है, अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, कि सब घट अंतर तू ही व्यापक, कि वह जो परमात्मा रूपी शरीर जो है वह सभी जगह व्याप्त है और वह अनेक रूपों में कह सकते हैं अनेक स्वरूप अनेक रूप धारण करता है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरवाना, वे कहते हैं कि मनुष्य जो है इस माया को देख करके, इस मोह माया को देख करके, संसार की जो मोह माया धन दौलत आदि है इसको देख करके यह जगत, जगत में संसार जो है क्यों लुभाता है, क्यों लोभी बनता है, और इसको पा करके वह क्यों गर्वाना, गर्वाना मिस होता है क्यों गर्व करता है, अर्थात इस माया को पा करके जो जगत के लोभ में पड़ जाता है यह शरीर जो है, तो इस शरीर को पाकर के जो मनुष्य है नरमिस क्या होता है मनुष्य इंसान, इंसान जो है तो इस पर गर्व क्यों करता है कि निर्वय वह कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। अगर व्यक्ति जो है कि निर्वय होकर के
परमात्मा रूपी प्रियतम रूपी परमात्मा को कह सकते हैं, उसको अगर प्राप्त करने की सोचे इस जीवन संसार से, जीवन संसार जो है, जो कि शरीर और जो परमात्मा का जो मिलन है, तो वह क्या है, इस जीवन के भंवर जंजाल में पड़ कर के वह क्या है, विभिन्न प्रकार के लोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर वह निर्वय होकर के इस संसार में व्याप्त परमात्मा को अगर स्वीकार करता है, तो इस प्रकार के शब्द जो हैं कबीरदास जी एक दीवाने होकर के कहते हैं, क्योंकि परमात्मा के दीवाने हैं। आगे जो पद हैं, दूसरा पद जो है, उसमें कहा गया है कि दूसरे पद में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि कबीर ने बाह्य आडंबर जो हैं, अर्थात जो संसार में जो दिखाई देता है, क्या है, संसार में जो दिखाई देता है मनुष्य को, उन पर, उन आडंबरों पर, विभिन्न प्रकार के जो आडंबर उसको दिखाई देते हैं कबीर को अपनी दृष्टि से, तो उन पर उसने प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। क्या कहता है कि दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, कह सकते हैं एक प्रकार की चोट की है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान करके, अर्थात भीतर जो परमात्मा रूपी शक्ति जो विद्यमान है उसको न पहचान करके अनजाने में अवास्तविक, अर्थात जो वास्तविक नहीं है, उस संसार से रिश्ता बना बैठता है। अर्थात जो जीवन है वह क्या है, एक परमात्मा की प्राप्ति या कह सकते हैं इस जीवन से छुटकारा पाना उसका उद्देश्य होता है, लेकिन इस संसार में आकर के वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है और अवास्तविक संसार से एक रिश्ता बना बैठता है और वास्तविक संसार से बेखबर हो जाता है। इस प्रकार का कहना है दूसरे पद में कबीरदास जी ने कहा है। आइए चलते हैं, जानते हैं दूसरे पद में कि उन्होंने क्या बताया है। वे कहते हैं कि संतों देखत जग बौराना, कि संतों को देख करके जग जो है यह बौरा जाता है, अर्थात पागल सा हो जाता है। कहते हैं कि संत जो होते हैं, सज्जन पुरुष, संत किसे कहते हैं, सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष जो होते हैं, जो कि भगवान से हित या भगवान की प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं, तो उनको देख करके यह संसार जो क्या है, पागल हो गया है। या कहते हैं कि सांच कहो तो मारन धावे और झूठे जब पतियाना। अगर कोई व्यक्ति सत्य कहता है, सांच मीस क्या होता है, सत्य, कहो मीस कहो कहता है, तो मारन, मारन मीस मारने को दौड़ता है, मारन मीस मारने को, धावे मीस दौड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सत्य कहता है तो वह मारने को दौड़ता है, और झूठे जग पतियाना, झूठे मीस झूठ कहता है तो पतियाना मीस विश्वास कर लेता है। कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो उसका विश्वास कर लेता है। वहीं नेमी देखा धर्मी देखा, विभिन्न प्रकार के नियम धर्म करने वाले, धर्म को मानने वाले देखे, धर्मी मीस धर्म को मानने वाले, नेमी मीस नियम पर चलने वाले, और प्रातः करे स्नान, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रातःकाल में स्नान करके क्या है, तिलक छापे लगा करके भजन पूजा करते हैं, आडंबर करते रहते हैं, उस प्रकार के आत्म मारे पखाने पूजे, अर्थात वे कहते हैं कि आत्म मारे पखाने पूजे और उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म मिस होता है स्वयं, आत्म मीस क्या होता है, स्वयं, तो स्वयं को क्या है, स्वयं की अंतरात्मा को मार करके क्या कहते हैं कि जो पत्थर होता है, स्वयं के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है उसको खत्म करके, परमात्मा आत्मा रूपी जो परमात्मा है स्वयं के अंदर, तो उसको क्या है, उसको मार करके बैठ जाता है और क्या है,
पत्थरों में भगवान ढूंढता रहता है। तो पखाने मिस होता है पत्थर, पूजे मिस पूजता है। कहते हैं कि पत्थरों को पूजता रहता है, जबकि उसकी अंगतमा कहते हैं अंगतमा रूपी परमात्मा। तो अगर आत्मा शुद्ध है उसकी, तो क्या है, परमात्मा उसे सब जगह मिल जाएगा। इस प्रकार कबीर दास जी का कहना है कि उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो इस प्रकार के मनुष्यों में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं कि इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के लोग आडंबर करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के तलक छाफे लगाएंगे, प्रातःकाल स्नान करेंगे, नियम धर्म करेंगे और विभिन्न प्रकार के पत्थरों की पूजा करेंगे, तो वह कहता है कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है इस भौतिक संसार में, क्या है कि आत्मा रूपी परमात्मा को छोड़कर इस भौतिक जगत को पूजने लगता है। बहुत तक देखा पीर औलिया, अनेक प्रकार के जो पीर औलिया कहते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म को मानने वाले देखे, है ना, पढ़े किते कुराना, अनेक प्रकार के कुरान ग्रंथ आदि लोगों ने पढ़े, कई मुरीद तदबीर बतावे। लेकिन जो शिष्य लोग होते हैं, तदबीर में से एक योजना बता देते हैं, उनके विचार बता देते हैं कि उनमें ओहे जो ज्ञान, अर्थात तो उनके जिनके शिष्यों में जो ज्ञान मिलता है, उस प्रकार का ज्ञान कहते हैं कि पीर औलिया और अनेक पढ़े लिखे जो कि हिंदू और मुसलमान आदि लोग जो होते हैं, जो कि कुरान पढ़ते हैं, रामायण आदि पढ़ते हैं, तो उनमें जो ज्ञान नहीं मिल पाता है। आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना। और वे क्या है कि विभिन्न प्रकार के घमंड मन में बनाए रखते हैं। आसन मारे डिम्ब धरे बैठे, अर्थात विभिन्न प्रकार की आसन, आसन में मुद्रा, विभिन्न प्रकार के आसन या समाधि लेकर के बैठ जाते हैं। और डिम्ब धर बैठे में इसमें होता है कि विभिन्न प्रकार के गर्व करते हैं, और क्या है मन में क्या है उनको घमंड पैदा हो जाता है। गुमान में इसका क्या होता है, घमंड। तो उनके मन में बहुत सारा जो घमंड पैदा हो जाता है कि वे यानी कितनी किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कबीर दास जी कि पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। तो पीपर पाथर मीन्स पत्थर, पीपल का वृक्ष, पत्थर आदि को लोग पूजने लग जाते हैं। और तीरथ, तीरथ मीन्स तीर्थ करके क्या है अपने गर्वों को, अपने जो घमंड है उसको भुला देते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, अनेक प्रकार की टोपी या धोती कुर्ता आदि धारण करते हैं, अनेक प्रकार की मालाओं को धारण करते हैं, अनेक प्रकार के छाप तिलक या कैसे कहते हैं तिलक छापे लगाते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुमान हैं वे बताते हैं आगे कि साखी शब्दें गावत भूले आत्म खबर ना जाना। हिंदू कहें मोई राम प्यारा तुर्क कहें रहमाना। साखी शब्दें गावत भूले, अर्थात किसी से मधुर वचन जो हैं बोलने को तो भूल जाते हैं, और आत्म आत्म स्वयं स्वयं क्या है ऐसा लगता है स्वयं को कुछ ज्ञात ही नहीं होता है। वो हिंदू कोई अपने आप को क्या है कि हिंदू कहता है, तो हिंदू जो होते हैं, हिंदू लोग वे राम को प्यारा मानते हैं, और तुर्क या कह सकते हैं मुसलमान लोग जो होते हैं वे रहीम दास जी को भजते हैं, उनको प्यारा मानते हैं। और क्या है कि आपस में दो लर लर मुए, और तब क्या है आपस में इस प्रकार के जो धार्मिक अंधविश्वास में आपस में दो मिस दोनों लर लर मिस लर लड़ के मुए मिस मर जाते हैं, अर्थात मरते रहते हैं। और मर्म न काहू जाना, और इस प्रकार का जो मर्म है परमात्मा कि जो सच्चाई है उसको कोई नहीं जान पाता है। आगे वो कहते हैं कि घर घर मंत्र दे तो फिरते हैं, जो लोग होते हैं जो कि आडंबर करते रहते हैं और घर घर क्या है मंत्र देते रहते हैं लोगों को। मंत्र देत देत मिस देना, फिरत मिस फिरना,
अर्थात मंत्र आदि देते रहते हैं और महिमा के अभिमाना और अपनी महिमा का अभिमान करके या घमंड करते रहते हैं। उस प्रकार के लोगों पर कबीरदास जी ने एक क्या है, इस प्रकार के आडंबरों पर एक प्रहार किया है, चोट की है। इस प्रकार के लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि पाखंडी हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। वे आगे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर गुरु अगर किसी व्यक्ति का नहीं है तो उसका जो शिष्य है तो सब क्या है, बेकार हैं, बूढ़े हैं। अर्थात कहते हैं कि सब इस संसार में कोई तिर नहीं पाता है, इस संसार से कोई छुटकारा नहीं पा सकता बिना गुरु के। और अंतकाल में क्या है, उन्हें पछताना, मीन्स पछताना पड़ता है। अंत समय पर क्या है, उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, कि यह सब जो मर्म है तो इसको भुला देना चाहिए, अर्थात इस प्रकार के आडम्बर हमें नहीं करने चाहिए। केतिक कहूँ कहाँ नहीं माने, सहज ही सहज समाना। केतिक कहूँ कहाँ नहीं माने, सहज ही सहज समाना। केतिक मीन्स कितने भी कहूँ में कहाँ नहीं माने, तो इस प्रकार वो कहते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार का कहा जो नहीं मानते हैं तो क्या है, सहज ही सहज समाना। अर्थात वो सहज ही सहज में या इस प्रकार की जो बातें मान जाते हैं तो सहज ही सहज में इस पर संसार से तिर जाते हैं, और इस प्रकार की जो बात नहीं मानते वे क्या है, अंतकाल में उनको पछताना ही पछताना पड़ता है। तो इस प्रकार कबीरदास जी के जो विचार हैं इन पदों के माध्यम से यहाँ देखने को मिले। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज से परिचित कराएंगे, और हो सके तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आंसर्स का, और खुद से ही आप अगर पाठ समझ में आया हो तो आंसर देने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन आंसर्स हम आपको दिखाएँ। धन्यवाद।